मैं सुखविंदर सिंह, साइंस मास्टर, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी अमीनगंज। अज असी 10वीं दा पाठ 6वां जैविक प्रक्रियावां बारे चर्चा करांगे। इस पाठ दे विच असी पोषण बारे पढ़ांगे अते असी यह जानांगे कि मनुखी पोषण प्रणाली दे किहड़े वक्रे वक्रे अंग हन। इस तों बाद असी साह क्रिया दे वक्रे वक्रे अंगां बारे जानकारी प्राप्त करांगे। इसी तरह ही असी प्रवैन बारे जानकारी प्राप्त करांगे कि मनुखां दे विच किस तरह का प्रवैन तंत्र है अते पौद्यां दे विच किस तरह का प्रवैन तंत्र है। उस तों बाद असी मल त्याग बारे जानकारी हासिल करांगे अते मनुखां दी मल त्याग प्रणाली बारे विस्तार पूर्वक पढ़ांगे। हुण असी जैविक प्रक्रियावां बारे पढ़दे हां। जैविक प्रक्रियावां की हन? सब तों पहलां असी यह जानते हाँ कि जैविक प्रक्रियावां हुंदियां की हन। पहले बच्चों, जीवां दी रक्षा दा काम निरंतर चलदा रहना चाहीदा है, भावें वह कोई विशेष काम करते हो। जदों असी श्रेणी में केवल बैठे होंगे हाँ या फिर सो रहे होंगे हाँ तो उस समय भी यह रक्षा का काम चलता रहना चाहिए है। वह सारे कार्य जो सांझे रूप में जीवों की रक्षा का काम करते हैं उन्होंने जैविक प्रक्रियावां कहते हैं। तुसी ये परिभाषा नोट कर लेना कि जैविक प्रक्रियावां की यह परिभाषा है कि जैविक प्रक्रियावां की होंदियां हैं। नुकसान अते टुट भज नूं रोकण लई असी काम की जरूरत रक्षा के काम की जरूरत होंदी है, जिस लिए सानू जां उन्हां जीवां नूं ऊर्जा की लोड़ होंदी है। यह ऊर्जा संबंधित जीवों के शरीर विच बाहरों आउंदी है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर तो जीव के शरीर विच स्थानांतरण होने की प्रक्रिया जरूरी है। इस ऊर्जा के स्रोत जिसनूं असी भोजन कहिंदे हां नूं शरीर के अंदर लै जाण की क्रिया नूं आम करके पोषण आखदे हन। जेकर जीव के शरीर विच वृद्धि होनी है तो उस लई उस नूं बाहरों होर कच्ची समगरी दी भी जरूरत होगी, क्योंकि पृथ्वी उत्ते जीवन कार्बन आधारित परमाणुओं उत्ते निर्भर है। इसलिए वधेरे करके खाण योग पदार्थ भी कार्बन आधारित हैं। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार वक्-वक् जीव भिन्न भिन्न प्रकार दी पोषण प्रक्रियावां की वरतों करते हैं। प्यारे बच्चों, हुण असीं यह जान चुके हैं कि जैविक प्रक्रियावां की हैं। हुण देखो, जिन्ने भी साढ़े कोल शरीर के सैल ने उन्होंने अपने शरीर की रक्षा करनी है, तो रक्षा करने लिए उन्होंने किस जरूरत होती है? ऊर्जा की। तो ऊर्जा सानू बाहर तो लैनी पैंदी है, तो बाहर तो शरीर में ऊर्जा लिजाण का जिहड़ा प्रोसैस है उन्होंने पोषण कहा जाता है। आओ हुण असीं अगे जाते हैं कि पोषण के किहड़े किहड़े पड़ाव ने, क्योंकि वातावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए ऊर्जा के ये बाहरी स्रोत वक्-वक् प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन्हां स्रोतों के विघटन अते निर्माण की जरूरत होंदी है, जिस नाल अंत विच ये ऊर्जा का एक समान स्रोत विच परिवर्तित हो जाएंगे। जिहड़ा भी असीं भोजन खाते हैं जां जो भी असीं अंदर ऊर्जा लई जो भी पदार्थ लैके जाने हैं वह सारे इको प्रकार के नहीं होंगे, इन्हां नूं इको तरह की ऊर्जा च बदलन की लोड़ पैंदी है। ये ऊर्जा स्रोत भिन्न भिन्न अनवी गतियां लई वक्-वक् जीवों के शरीर की रक्षा अते शरीर के वाधे लई जरूरी अणुआं दे निर्माण विच उपयोगी हैं। इस महत्व की पूर्ति लई शरीर के अंदर रसायनिक प्रक्रियावां की एक लड़ी की जरूरत है। आक्सीकरण लघुकरण प्रतिक्रियावां अणुआं दे विघटन दे कुछ आम रसायनिक साधन हैं। इसलिए बहुत सारे जीव शरीर तो बाहरले स्रोतों तो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं अते शरीर के बाहर तो ऑक्सीजन नूं प्राप्त करना अते सैलां की जरूरत अनुसार भोजन स्रोतों के विघटन विच उसकी वरतों करन नूं साह क्रिया कहा जाता है। जिवें कि पहला पड़ाव साडे कोल पोषण सी, जदों पोषण अंदर चला जाता है तो वह पोषण नूं विघटन लई सानूं ऑक्सीजन की जरूरत हुंदी है, तो हुण ऑक्सीजन नूं अंदर लिजाणा अते उसकी वरतों करना नूं की कहिंदे ने? साह क्रिया। एक सैली जीवों की पूरी सतह वातावरण के संपर्क हुंदी है, इसलिए उन्होंने भोजन प्राप्ति लई गैसां की अदला बदली लई जां वाधू पदार्थ बाहर कढ़न लई किसी विशेष अंग की जरूरत नहीं हुंदी। पर जदों जीव का शरीर का आकार वधदा है, शरीर की बनतर वधेरे गुंझलदार हुंदी है, तो बहुत सैली जीवों में सारे सैल अपने आले दुआले के वातावरण नाल सीधे संपर्क में नहीं हुंदे, इसलिए सधारण विसरण सारे सैलां दीआं लोड़ां पूरियां नहीं करता। सधारण विसरण की हुंदा है कि जिहड़े छोटे जीव हुंदे ने उन्हां दा जिहड़ा शरीर है वह वातावरण के संपर्क च हुंदा है, वह वातावरण तो सीधा गैसां का आदान प्रदान कर सकता है, भोजन का आदान प्रदान कर सकता है, पर
जिहड़े बहुत सैली जीव हुंदे ने उन्हां दी जिहड़ी बनतर हुंदी है वो गुंझलदार हुंदी है, इस लई वह विसरन राही विसरन की सहायता राही गैसां दा ते भोजन का अदला बदली वातावरण च नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्हां कोल एक खास एक तंत्र हुंदा जिहड़ा ये काम करदा। असी पहला भी वेख चुके हैं कि बहुत सारी जीवों में वक् वक् कार्यों को करने लई भिन्न भिन्न अंग विशेषीकृत हो जाते हैं, असी इन्हां विशेषीकृत टिशुआ और शरीर में उन्हां दे संगठन बारे जाणू हाँ, इसलिए यह कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन और ऑक्सीजन अंदर लै जाना भी विशेषीकृत टिशुआ का काम है, पर इस तो एक समस्या उत्पन्न होती है, भावें भोजन ऑक्सीजन का अंदर लै जाना कुछ विशेष अंगा द्वारा होंदा है परंतु शरीर के सारे भागों इन्हां दी जरूरत होंदी है, इस स्थिति विच भोजन और ऑक्सीजन नूं शरीर के एक स्थान तो दूजे स्थान तक लै जाने लई संथानांतरण प्रणाली की लोड़ होंदी है। फिर बच्चों जिहड़ा असीं भोजन लैके जाते हैं जिहड़े विशेषीकृत टिशू ने वह भोजन नूं अंदर जा सकते हैं गैसां नूं अंदर जा सकते हैं, वह साढ़े शरीर के किसी एक भाग तक इस सारे भोजन और गैसां नूं जा सकते हैं, पर साडे शरीर के सारे सैलां नूं भोजन और ऑक्सीजन की लोड़ होंदी है, इसलिए वो जिहड़ा भोजन साढ़े अंदर गया है उनका स्थानांतरण करना भी जरूरी होंदा है, इस भोजन ते गैसां दे स्थानांतरण करने लई साढ़े शरीर के एक स्थानांतरण तंत्र होंदा है, जिवें कि साढ़े शरीर के दिल हैगा अते लहू टिशू है जिहड़ा भोजन अते गैसां दा आदान प्रदान सारे सैलां तक करदा है। जदों रसायनिक प्रतिक्रियावां विच कार्बन स्रोत ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति लई हुंदा है तां अजिहे सह उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर के सैलां लई ना केवल अनुपयोगी होंदे हन सगों हानिकारक भी होंदे हन, सो इन्हां फालतू पदार्थों फिर शरीर तो बाहर कढ़ना भी जरूरी होंदा है, इस प्रक्रिया नूं असी मल त्याग कहिंदे हां। जेकर बहुत सारे जीवों में शरीरक बनतर का मूल नियम की पालना की जाती है तो मल त्याग लई विशेष टिशू विकसित हो जाते हैं, इस तो स्पष्ट हुंदा है कि फोकड़ पदार्थों नूं सैलां तो मल त्याग टिशुआ तक ले जाने लई स्थानांतरण प्रणाली की लोड़ होगी। पर बच्चों ये सारिया साढ़े को जैविक प्रक्रियावां सन जिंदे च असी पहला यह जानिया कि जिहड़े संजीव ने उन्हां नूं ऊर्जा लई भोजन की जरूरत हुंदी है, भोजन नूं अंदर ले जाण नूं पोषण कहिंदे ने, और जिहड़ा भोजन असी अंदर लैके जा रहे हो इक्को तरह के भोजन नहीं हुंदे, वह वख-वख तरह के भोजन हुंदे ने, इसलिए उन्हां दा आक्सीकरण जरूरी हुंदा है, आक्सीकरण लई सानूं बाहर तो गैसां की लोड़ पैंदी है, तो वह गैसां नूं अंदर ले जाण अते उन्हां दी वरतों करन नूं साह क्रिया कहिंदे ने। हुण जिहड़ियां गैसां अते भोजन अंदर जांदा है उहनूं शरीर के सारे सैलां तक पहुँचाउण की जरूरत हुंदी है, उस लई सानूं स्थानांतरण प्रणाली की लोड़ हुंदी है, अते जिहड़ा असीं भोजन खा लैंदे आ उस तों बाद उस विच्चों कई पदार्थ हानिकारक भी हुंदे ने जिन्हां नूं शरीर तों बाहर भी कढ़ना हुंदा है, तो इसलिए उन्हां वास्ते वक्रे मल त्याग प्रणाली की लोड़ हुंदी है। असीं कल वाली वीडियो दे विच पोषण बारे पढ़ांगे, उस तों अगली वीडियो दे विच असीं साह क्रिया बारे, तो उस तों अगली वीडियो दे विच असीं प्रवैन जां स्थानांतरण प्रणाली बारे पढ़ांगे, तो लास्ट वीडियो च असीं मल त्याग प्रणाली च पढ़ांगे। ये सारिया असीं चार पार्ट के इस पार्ट को पूरा करांगे, तो कृपा करके वीडियो को पूरा देखे करो, धन्यवाद।